रात से हमने स्टार्ट की है, अभी तक 200 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है, आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम, कि लोगों को गाड़ी में लेके आइए। सारे जो पेशेंट हैं हमें पता कोविड है, तो इस करके कोविड पेशेंट को ना आपको बाहर निकालना ना आपको अंदर बिठाना, हम गाड़ी में ही मास्क लगा के आपको ये सेवा दे रहे हैं हमारी खालसा हेल्प इंटरनेशनल। और उसके अलावा लोगों की टेस्टिंग, दवाइयाँ, लंगर, इस कोविड की महामारी में सारी सेवा इस गुरुद्वारे से दी जा रही है। गुरुद्वारा इंद्रापुरम खालसा हेल्प की टीम हमारे साथ में लगी हुई है और ये सेवा हमारी ऐसे चलती रहेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है गाजियाबाद के डीएम साहब और वीके सिंह जी से, आप प्लीज़ इस ऑक्सीजन के लिए हमारे बैकअप के लिए 20-25 सिलेंडर 12 घंटे के लिए हमें प्रोवाइड कराइए, ताकि हम लोगों की यहाँ पे जान बचा लें। आप मुझे 25 सिलेंडर दिलवाएंगे, मैं 1000 आदमियों की जान बचाएंगे, 1000 आदमियों की।